नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश नदियों को बचाना है और आपके साथ मैं हूँ वृष गौरी। जल जंगल से भरा पूरा छत्तीसगढ़ भी आज जलवायु परिवर्तन के बीच भीषण जल संकट से गुजर रहा है और गर्मी के आते ही नदियां और तालाब अब सूखने लगे हैं। भूजल स्तर अब धीरे धीरे नीचे लगातार गिरता जा रहा है। हालात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पहली मरतबा बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात तक के बेधार हो गया है। इंद्रावती, शिवनाथ, खारून हो या फिर अरपा, या बात की जाए छत्तीसगढ़ की आधार महानदी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए अब मजबूर है। बस्तर के आदिवासी भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान है और गांवों की कड़वी सच्चाई तो ये है कि लोग झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर है या फिर कोसों पैदल चलकर वो पानी लाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो मजबूर हैं। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा मरी हुई नदी अब बन चुकी है। रायगढ़ में केलो नदी सूखने की कगार पर है तो कोरबा, जांजगीर में हसदेव उद्योगपतियों के हिस्से में जा चुकी है। तो गरियाबंद में सुदूर पैरी बरसाती नदी पूरी तरह से अभी बन चुकी है। कभी ये यहाँ की मुख्य नदियों में शुमार हुआ करती थी लेकिन अब ये सिर्फ बरसाती नदी बन गई है। रायपुर में खारून तड़प तड़प कर मरने की कगार पर जो आ चुकी है, जबकि दुर्ग में शिवनाथ और धमतरी, राजिम, महासमुंद और महानदी एनिकेट की मार झेलने के लिए मजबूर है। तभी नदी तालाबों के गढ़ के तौर पर विख्यात रहा छत्तीसगढ़ अब इस पहचान को धीरे धीरे खोता जा रहा है और ऐसे में आज चर्चा नदियों को बचाना है कि इसी खास मुद्दे पर। तो जल संकट के भयानक खतरे के बीच सरकार से लेकर जनता भी अब गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। जल स्रोतों को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ऐसे में बस्तर में इंद्रावती को बचाने के लिए लोग पदयात्रा कर रहे हैं और अपने जन जागरण अभियान में पदयात्री लोगों से नदियों को बचाने के लिए अपने स्तर से काम करने की अपील कर रहे हैं। तो बहुत जागरूक है, आप देख लो इनकी संख्या, देख लो इनका उत्साह, देख लो एक महिला भी इंजरी हो गई वो भी दौड़ जा रही है। मैंने महिलाओं में तो अपार जोश है। मैं इंद्रावती का संबंध जितना महिला शक्ति के साथ है मैं नहीं सोचती कि और किसी के साथ है। अब देखो सुबह से लेकर रात तक वो पानी के साथ जूझ रही है और वो जानती है कि पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल यदि नहीं होगा तो क्या होगा। ये जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये आंदोलन हमारा चित्रकूट तक का, ये प्रथम चरण में चित्रकूट तक का समापन होगा और जितना दिन लगेगा, चाहे वो 12 दिन लगे, 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, उस चरण तक हम इस पदयात्रा को जारी रखेंगे। ये तमाम यात्री तो इंद्रावती को बचाने निकले हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को जागना होगा, केवल निर्माण कार्यों तक ही विकास को नहीं परिभाषित करना है बल्कि गहराते इस भीषण जल संकट से भी उबरना होगा। जिस तरह से नदियों पर एनिकेट बना बना के पानी बेचने का काम हो रहा है उससे भी बड़ा खतरा नदियों पर अब मंडरा रहा है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत जागरूक है, आप देख लो इनकी संख्या, देख लो इनका उत्साह, देख अभियान बहुत मजबूत है और यही अभियान इंद्रावती नदी में पानी लाएगा और लोगों में जोश और जो जुनून है वो लगता है कि यात्रा बहुत आगे चलेगी और इंद्रावती में पानी लेकर। 8 मई 2019 से गांव, ग्राम भेजा पटर से ये पदयात्रा निकाली गई है। हम देख रहे हैं कि इस पदयात्रा में स्कूली बच्चे, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों या संगठन के लोग हों, समाज के लोग हों, सभी योगदान दे आ रहे हैं।
और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो से एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। गौतम बंदोपाध्याय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बंदोपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, और हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बंदोपाध्याय जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूं कि इस भीषण जल संकट से आखिर कैसे उभरा जाएगा, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के सिनेरियो की बात करते हैं, उसकी अगर हम पूरी ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो प्रकृति और जो नेचर से पूरी तरह से मतलब प्रकृति ने उसको नवाजा है, भगवान ने तमाम चीजें वहां पे दी हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, खदानें हो, नदी नाले, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी जल संकट अब छत्तीसगढ़ में भी गहराने लगा है। गौतम जी, छत्तीसगढ़ के जल संकट, जी जी बात पूरी कीजिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। छत्तीसगढ़ की जो संदर्भ है, और खास करके इंद्रावती के जो भीषण जल संकट अभी दिख रहा है, 1600 मिलीमीटर के पानी की बारिश होता है बस्तर में, और इंद्रावती का 240 किलोमीटर की जो रास्ता तय करता है, इसमें 13 नदी और आपका 33 नाला का पानी जो है वो इंद्रावती में आता है। इसके बावजूद इंद्रावती बस्तर में जब एंटर करता है तो वो ड्राई है। आज जो हम इंद्रावती में पानी देखते हैं, वो पानी नारंगी, भस्कर नाला, मुंगेर नाई, इन सब के 6 नदी का पानी मिलते हुए संकिनी, डंकिनी, इन सब गांव को पानी दिखता है जी। आज इंद्रावती के जो 10 एनिकेट बनाया गया है 14 सालों में, 6 एनिकेट इंद्रावती के छत्तीसगढ़ सीमा में जगदलपुर से जलप्रपात तक इन दूरी में, 30 किलोमीटर दूरी में बनाया। 2014 में 3 किलोमीटर दूरी में जलप्रपात के आगे रमन सिंह सरकार ने एनिकेट बनाता है। एक एनिकेट से दूसरे एनिकेट के बीच की दूरी, कोई विज्ञान इसको सपोर्ट नहीं करता। छत्तीसगढ़ की पूरी जो संस्कृति है, धान, वन, जल, तालाब के संस्कृति है, इन जल की संकट के आने के मतलब धानों पे संकट आना, वनों के संकट आना, संस्कृति पे संकट आना, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति पे एक हमला है। इसलिए केस बाय केस तय करने की जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 7 नदी किसी ना किसी रूप में उद्योगपतियों के हाथ में है। आज उद्योग के जल वितरण के आपकी प्राथमिकता है, ना कि कृषि का जल वितरण, ये डोमेस्टिक का जल वितरण। केंद्र के जल नीति बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ के पिछले सरकार जल नीति नहीं बनाया है। आज जरूरी है छत्तीसगढ़ में एक नदी नीति बनाने की। अगर नदी नीति नहीं बनेगा तो केवल जल की नहीं, संस्कृति की नहीं, छत्तीसगढ़ भीषण सूखा के सामने आ जाएगा। जी बंदोपाध्याय जी, जिस तरह से आपने केवल जी बंदोपाध्याय जी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि एनिकेट बना दिए गए, क्या वाकई में इन 14 साल में जितने भी एनिकेट बनाए गए उसके पहले जो एक स्टडी करनी चाहिए थी वो स्टडी नहीं की गई, और इन एनिकेट का निर्माण आनंद फानंद में कर दिया गया, जिसका खामियाजा अब छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और इन तमाम चीजों के निर्माण के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी ध्यान में नहीं रखा गया। 238 एनिकेट पिछले ये 3 भाजपा सरकार के रिजिम में बना है, और इस एनिकेट बनाने के जो सर्वे है, पिछले स्टडी कहता है कि पूरे सर्वे के अंदर फर्जीवाड़ा है। बीच की डिस्टेंस की बात नहीं, केवल उद्योग को पानी देने के लिए और कमीशन खाने के लिए और खर्च
स्थानीय पानी के थोड़ा स्तर जरूर उठता है अनिकट से, लेकिन उस स्तर के कारण जो नदी की हाल होता है, नदी का चरित्र बदलाता है, नदी की संस्कृति बदलता है, नदी की धाराएं बदलता है। जी बिल्कुल, देखो जरूरी जी जरूरी जो है वो जी जी लक्ष्मण जी आपके पास देखो जल जंगल से भरा हुआ है पूरा छत्तीसगढ़, और अगर आज के परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो तमाम तरह के संकट हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा संकट तो पानी का ही संकट है। जहां अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें जो कभी नहीं सूखता था, वहां वो भी सूख गया है। क्या लगता है, सरकार तो बदल गई है लेकिन जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, वो नहीं बदल रहा, क्या इस बार कुछ नया हम देख पाएंगे? कैसे इस तरह के जो प्राकृतिक संकट आ रहा है उससे कैसे आखिर उभर पाएंगे? देखिए रस्क, निश्चित तौर पे जिस और दादा इशारा कर रहे हैं गौतम दादा, चूंकि उनकी स्टडी बहुत ज्यादा है नदी घाटी मोर्चा के तहत, उन्होंने गांव गांव जाकर पदयात्राएं की है, महानदी के किनारे आपने देखा है, अर्पा को जो है करीब से जाके देखा है, इंद्रावती के करीब जाके देखा है, तो उनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने अब तक के अपने अध्ययन के दौरान जिन चीजों को पाया है उस पर मैं दादा का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, और शायद हमारे जरिए सरकार तक की बात पहुंच रही होगी तो वो भी बहुत गहराई से इस डिबेट को, आज के इस डिबेट को देखे, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ। रस्क, जैसे कि हम 2018 की बात करें, आपको मैं बता दूं कि बीते वर्ष हमने अर्पा पे एक आधे घंटे की स्टोरी की थी। मैं खुद उस मुहाने पे पहुंचा हुआ था जहां से अर्पा नदी का उद्गम स्थल है, पेंड्रा। पेंड्रा में जब हमने जाके स्टोरी की थी तो वहां पे हमने दिखाया था कि वहां पे उद्गम वाली जगह ही गायब है और वो कब्जे वाले हिस्से में है। वहां से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अर्पा निकलती कहां से थी। तो हमने उस पूरे इलाके की छानबीन की तो कहीं से कोई सारी चीजें समझ में नहीं आई, और स्थानीय लोगों ने कहा कि इस जगह को बचाने की कभी कोई कोशिश नहीं हो। स्क्रीन पे जो तस्वीर हमने दिखा रहे थे अर्पा बचाओ, ये उसी जो है आंदोलन का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्पा को बचाने के लिए लगातार जनजागरण हुए, पदयात्राएं हुई, लेकिन सरकार इस पर कभी गंभीर नहीं रही, प्रशासन इस पर कभी गंभीर नहीं रहा। नतीजा ये है कि आज अर्पा पूरी तरह से सूख गई है। बरसात के दिनों में भी अर्पा में बहाव पूरी तरह से नहीं रहता है। मैं जब 2006 से लेकर 8 तक बिलासपुर के भीतर में अध्ययनरत था, वहां पे जब मैं अर्पा को पार करके जाता था तो वहां पे पानी का बहाव काफी ज्यादा रहता था। आज स्थिति यह है कि बरसात में भी आप बिलासपुर के भीतर में जाएंगे तो अर्पा पूरी तरह से आपको सूखी हुई नजर आएगी, बहाव आपको सिर्फ एक छोर भी दिखाई देगा। यही हालात छत्तीसगढ़ के भीतर में सभी नदियों का है। अगर आप जो है हसदेव को लेकर के जाएंगे तो हसदेव जहां से निकलती है वहां से पदयात्रा की शुरुआत भी की होगी दादा, आपको याद होगा चरणदास महंत ने चुनाव से पहले एक पदयात्रा की थी, लेकिन सब आप शायद वो भी भूल गए होंगे, पता नहीं वो हसदेव को कैसे बचाएंगे। बांगो डैम की वजह से हसदेव में एक पानी दिखाई देता है, लेकिन वो भी कब तक दिखाई देगा नहीं कह सकते। रायगढ़ के भीतर में जो कैलो नदी है दादा, आपको याद होगा वहां पे जो जिंदाल मोनेट और बाकी जो उद्योग घराने हैं उन्होंने पूरी तरह से उस नदिया को, लेकिन बात सवाल प्रदूषण की मार इतनी रही तो नदियां हाँ। पूरी तरह से सूख गई है। रस्क, एक मिनट में आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्योंकि आपके लिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ नदियों का प्रदेश रहा है, तालाबों का गढ़ रहा है, यहाँ पे नदी और तालाबों के संरक्षण का काम न तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में दिखाई देता है, न अलग राज्य छत्तीसगढ़ बनने के बाद। वस्तुतः स्थिति यह है कि हमने सौंदर्यीकरण पे ज्यादा जोर दिया है, हमने तालाब के आसपास उसे सुंदर तो बना दिया, कांक्रीटीकरण कर दिया, लेकिन वहां पे जल स्रोत कैसे रहेगा, भूजल स्तर कैसे बने रहेगा, इस पर कोई जोर नहीं दिया। और नतीजा यही है कि आज हमें पदयात्राएं रैली निकालनी पड़ रही है। अगर छत्तीसगढ़ के भीतर में चित्रकूट में धारा रुक जा रही है, झरना वहां पे नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस ओर संकेत कर रहा है। और इसे बेहतर तरीके से दादा से भी समझेंगे हाँ। और सरकार का चूंकि नारा है नरवा गरवा गुरुवा बारी हाँ। तो जो नरवा है नरवा के जरिए तालाब और नदी और नालों को बचाने की जो कोशिश है सरकार की होगी, उसमें इस चीज को जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको एनीकेट पे काम नहीं करना होगा, आपको कांक्रीटीकरण पे काम नहीं करना होगा, आपको ऊंचाई पे भी ध्यान रखना होगा कि कितनी ऊंचाई की आप चेक डैम स्टॉप डैम और एनीकेट बना रहे हैं, कितनी दूरी पे बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे जगह जगह ये हुआ है कि नदियों के बहाव को रोका गया है, उसके फ्लो को रोका गया है,
और उद्योग घरानों के लिए बकायदा बैराज बना गया है जहाँ पे पानी के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यहाँ पे उदाहरण है महानदी के भीतर में, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर समुदा बैराज है जहाँ से जीएमआर को पानी जाता है और उसके नीचे पूरी तरह से नदी सूखी हुई है। दादा जी इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी वैभवेश्वर पांडे भी बता रहे हैं कि किस तरह से बैराज बना के नदी के पानी को रोका गया है, और ये इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि पानी को संरक्षित करने के लिए कोई ऐसी व्यापक हमने स्टडी नहीं देखी। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ जगहों पर, देवास हो गया, सोनकच हो गया, इन तमाम जगहों पर, आष्टा पर, इन जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और कैसे वाटर लेवल इंक्रीज किया जाना चाहिए काम किया था, जो जिसका डेवलपमेंट हमने देखा कि इन जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत जो पानी का लेवल था वो बढ़ा है। जिस तरह से उद्योगों को हम पानी दे रहे हैं इसको लेके क्या वाकई में अब सरकार की रणनीति नहीं बदलनी चाहिए? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? हम किस तरह से इन तमाम चीजों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम आप लोग भी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस पदयात्रा का वाकई में कोई असर होगा? नदी एक सार्वजनिक संपत्ति है, नदी एक सार्वजनिक संपत्ति होने के कारण समाज का भी एक बड़ा जवाबदारी बनता है उस संसाधन को नाश्ता करना, संवर्धन करना और संबंधन का समृद्धता में उनको ले आना। केवल शासन के भरोसे में इस सार्वजनिक संपत्ति ना बच सकता है, ना बेहतर हो सकता है, ना सबके उनसे हित पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए एक नीति राज्य स्तरीय बनना चाहिए। नई सरकार जैसे वैभव जी ने कहा कि नरवा गरुआ घुरुआ बारी की बात कह रहे हैं, इनका संभावना दिखता है कि ये जो सभी सार्वजनिक संपत्ति है, इन सार्वजनिक संपत्ति को समाज के साथ जुड़ के शासन एक बेहतर समृद्धता का बढ़े। अगर जहां पर अपने बात कह रहे हैं इंद्रावती की अगर देखें तो पूरी नदी को अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात हम करें, जिसका वो रेती निकालने का काम होगा और रेती व्यापार के तरफ जाएगा, नदी की सीलिंग कैरिंग कैपेसिटी ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक मिनिमम फ्लो पानी का फ्लो हर नदी में होना चाहिए और इसको लाने के लिए हर कैचमेंट में बेसिक मैनेजमेंट की जरूरी है। हमारे यहाँ बेसिक मैनेजमेंट की जो हिस्सा है ये शासन के कोई प्राथमिकता में नहीं आया। जल उपलब्धता अगर नहीं होगा तो जल वितरण कभी नहीं हो सकता। जरूरी है कि बेसिन वाइज हर बेसिन के एक अलग कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखते हुए संगम से उद्गम तक के एक पूरी प्लान जरूरी है जिसमें समाज उसके जुड़े रहे, विज्ञान जुड़े रहे। आज जरूरी जो सबसे ज्यादा दिख रहा है एक नदी नीति की, उस नदी नीति के प्राथमिकता की, ग्राम सभा के उसमें योगदान की, उसमें इन्वॉल्वमेंट की, और इन्हीं प्रक्रिया में जो सबसे बड़े हिस्से मार खाते हैं, जो आघात पड़ता है वो कई महिलाओं की, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ताय पेयजल व जल की व्यवस्था लाना की जवाबदारी महिलाओं के ऊपर है। जितना जल संकट बढ़ेगा उतने महिलाओं को तनाव बढ़ेगा, महिलाओं को दबाव बढ़ेगा। ये एक ऐसा समाज जिस समाज में हम घर बराबरी ये बढ़ा के ले चले जाएगा। इसलिए जल केवल समाज का हिस्सा प्रशासन अकेले करेगा ये भी नहीं, समाज भी अकेले करेगा नहीं, मिलजुल के करना होगा। और छत्तीसगढ़ तभी समृद्ध हो पाएगा जब इनकी नेचुरल रिसोर्सेस के साथ जल और जन को जोड़ पाएंगे। बिल्कुल वैभव, किस तरह से संयुक्त सहभागिता दी जा सकती है, किस तरह से नदियों को संरक्षित किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से गौतम बंदोपाध्याय जी भी जिक्र कर रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। किस तरह से सभी को अपनी सहभागिता देनी होगी तब कहीं जाके सरकार भी इस ओर गंभीर होगी? देखिए जो दादा कह रहे हैं सामाजिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर सहभागिता तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक एक्शन प्लान जो है बनाने की बहुत आवश्यकता है सरकार को। देखिए सरकार कर क्या रही है उस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। अब तक की जो
स्थितियां रही है अब तक के जो नतीजे रहे हैं वो तो यही बताते हैं कि सरकार जो है राजस्व पे ज्यादा जोर देती है, वो देखती है कि कैसे जो है हमें उद्योग घरानों से फायदा हो जाए पानी बेचकर, कैसे जो है हम एनिकेट निर्माण करके उसमें से भ्रष्टाचार कर ले, उसका एक जो है माध्यम बन जाए, वहां पे निर्माण कार्य में जो धांधली हो उसका पैसा आ जाए, उसमें कमीशन पूरी हो जाए, ये स्थितियां अब तक की दिखी है और ये सारी चीजें जो है जांच रिपोर्ट में है। मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूँ, ये जांच में सारी चीजें हैं। दादा के पास वो शायद रिपोर्ट भी होंगे कि आज भी जो है शिवनाथ के भीतर में एक उद्योगपति का कब्जा दिखाई देता है, उसको हम आज तक नहीं छोड़ा पाए जबकि उसके लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया गया था। तो यही स्थितियां हर जगह पे है, वो हरदेव के भीतर में भी कब्जा है, महानदी के भीतर में भी कब्जा है, इंद्रावती में भी कब्जा है और छत्तीसगढ़ के ऐसे तमाम नदियां जो है वो सब उद्योग कराने के किसी न किसी हिस्से पे कब्जे में है। तो कोशिश ये है कि जहां पे हम बात करते हैं सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा, किसानों तक ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाई जाएगी, स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छे किसानों वाली जगह जहां पे खेती सबसे अच्छी होती है वो कही जाती थी जांजगीर चांपा, वहां की स्थिति ये है कि पानी का सबसे ज्यादा वहां पे संकट है और खेती पे एक गहरा संकट वहां पे मंडराते जा रहा है। तो अभी जो स्थिति सरकार की वो है कि वो ना तो रेत खदानों पे रोक लगा पाई है, ना बेहता का जो एनिकेट निर्माण हुए हैं उस पर किसी तरह की रोक लगा पाई है, उसके लेकर कोई जो है सर्वे रिपोर्ट शायद नहीं है और उस दिशा में पता नहीं काम कैसे कर पाएगी। तो नई सरकार आई है, नई जिम्मेदारियां है, नए तरीके से जो है उन्हें काम करना होगा, लेकिन प्रशासन की जो जवाबदेही है, जो कि जहां पे बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, आईएएस बैठे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है पढ़े लिखे हुए समझते हैं, उन लोगों की नीतियों को आप समझिए कि उनको इन सब सारी चीजों से मतलब ही नहीं लगता। भूजल इस कदर इतना गिरता जा रहा है कि आपको फिर बाद में फिर बोर खनन और बाकी सारी चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन की जो जवाबदेही है इसमें, बिल्कुल उस स्तर पर जाकर कार्यक्रम कार्यक्रम करने होंगे और लोगों को लग जाते हैं। बिल्कुल वाकई मेरा और एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत संक्षेप में वैभव, बहुत संक्षेप में। रायपुर में हम लोग रहते हैं, हम लोग रायपुर में रहते हैं, दादा भी इस चीज को देख रहे हैं। नगर निगम की ओर से यहाँ पे मटर गश्ती का आयोजन कराया जाता है, ये नगर निगम की जवाबदेही नहीं है, उसके लिए अलग से स्पोर्ट्स मंत्रालय है जो कि ये काम कर सकते हैं। निगम की जवाबदेही है कि कैसे मूलभूत, भीषण गर्मी है, आपके तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं, एक दो तालाब है जहाँ पे जल स्तर अभी भी बरकरार है लेकिन ज्यादातर तालाब आपके खत्म होने की स्थिति में है, आप लोगों को वहाँ तक नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन वहाँ ना ले जाके आप मटर गश्ती के प्रोग्राम हर संडे को आयोजित कर रहे हैं जिसका उतना ज्यादा शायद फायदा भी नहीं हो रहा है। अगर बेहतर ये होता कि किस तरह से जल संकट से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और किस तरह से नदियों को संरक्षित किया जाए और किस तरह से पानी जो बर्बाद किया जा रहा है उसको बचाया जाए, इन तमाम चीजों पर अगर उपाय किए जाते तो शायद बेहतर होता। बहुत शुक्रिया गौतम बंदोपाध्याय जी, आप चर्चा में शामिल हुए, वैभव आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है और इस महत्वपूर्ण चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ रहा है। तो जल संकट के भयानक खतरे के बीच सरकार से लेकर जनता भी अब गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है और स्रोतों को बचाने के लिए न केवल सरकार को बल्कि आम जन सहभागिता यहाँ पे देना बेहद जरूरी है और ठोस कदम उठाए जाएंगे तभी इस तरह के जल संकट से हम सब निजात पा पाएंगे। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है तो बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।